हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो भूतपूर्व परीक्षाओं में बॉटनी से आपके क्वेश्चन बने हैं, टीजीटी, पीजीटी और केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, उसके अलावा पीसीएस, एसीएफ एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में। तो वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हमारी सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां आपको नोट्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, डिस्कशन मंच मिलेगा। आप वहां मैसेज कर सकते हैं और एजुकेशनल मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ले सकते हैं, वहां आप नोट्स दे सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हमने और उसका रिस्पॉन्स भी मिलता रहता है। हमारा खुद का कन्फ्यूज़न, ढेर सारा कन्फ्यूज़न वहीं से दूर होता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, जैसे आप व्हाट्सएप को रजिस्टर करते हैं वैसे मोबाइल नंबर रजिस्टर करके और लिंक पे क्लिक करेंगे तो डॉक्टर नोट्स के नाम से चैनल दिखेगा और सेम सिंबल दिखेगा, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करना। आप जितना सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है, 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं और दूसरा आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएँ बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए यहां से एक अच्छा सा पिन ले लेते हैं, ये चूज करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला हमारा? पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैज बीन फाउंड यूजफुल इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में, अच्छा, पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में एक कौन सा कवक उपयोगी पाया जाता है? तो वो है ट्राइकोडर्मा विर्डे। क्या है? ट्राइकोडर्मा विर्डे। तो 73 का जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? तो 73 का जो आंसर है वो है सी, सही है। कौन सा है? सी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और हम आपको बता दें कि आप चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल को चलते फिरते उठते बैठते आप देख सकते हैं। आप खेतों की तरफ जा रहे हैं, बस आप मोबाइल को एक हाथ में शुरू कर दीजिए, कान पे लगा के आप सुनते चलिए, तो आपके क्वेश्चंस ऐसे तैयार होते हैं। सफ़र में चल रहे हैं वहाँ भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की कर सकते हैं। स्पेशल टाइम आपको नहीं देना कि बैठ के देखना है, आप उठते बैठते, जैसे मैं होता है, मैं अभी अपने वीडियो देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखता हूँ। मुझे जब कहीं कंफ्यूजन होता है या टॉपिक से हमें ये लगता है इस टॉपिक से कौन से वीडियो आए हैं, तो चूंकि प्लेलिस्ट हमने टॉपिक वाइज बना दी, हमने चालू कर लेते हैं और जब वो इवनिंग वॉक पे या मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो कम से कम एक से दो वीडियो देख डालते हैं। चलते चलते अपना कान के पास लगा लिया तो इससे क्या होता है, हमारा रिविज़न स्वयं का होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पैक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स यूटिलाइज इन फ्लैक्स जूट स्टेम रेटिंग इज, इनमें वो कौन सा है जो रेटिंग करता है? तो एस्परजिलस, नाइजर, म्यूकर, हिमालिस, क्लॉस्ट्रीडियम, फेल्सिनियम और मायरोथीसियम वेरिकेरिया। तो इसका सही आंसर कौन सा है 74 का? तो वो है बी, क्लिस्टोथीसियम फेल्सिनियम जो है वो क्या करता है, फ्लैक्स और जूट के स्टम को रेटिंग करता है। क्या करता है? रेटिंग करता है, मतलब सड़ाता है, तभी तो उससे निकलता है। मतलब इस पर क्या करते हैं हम, तालाब वगैरह में डाल देते हैं और उसको सड़ने देते हैं, फिर उसको फीसते हैं यानी पटक पटक के धोते हैं, जिससे वो फाइबर बाहर आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लोस्ट्रीडियम फेल्सिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एयर पोल्यूटेंट गैस काजिंग एसिड रेन, तो उसमें से दो गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ये NO। लूज स्मट ऑफ बार्ले कास्ड बाय, तो लूज स्मट किससे होता है? तो देखिए दो तरह का होता है, एक होता है कवर्ड स्मट और एक होता है लूज स्मट। तो लूज स्मट किससे होता है? तो आश्लेगो हॉर्डियाई और या और कुछ 75 में है सी, आश्लेगो टिटिसाई। लूज स्मट ऑफ बार्ले कास्ड बाय आश्लेगो टिटिसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग्स फॉर क्यूरिंग हार्ट डिसऑर्डर ऑप्टेन फ्रॉम, तो किससे प्राप्त किया जाता है बताइएगा? पाइपर सोमनीफेरम, सिंकोना ऑफिसनेलिस, पाइपर लॉन्गम और डिजिटेलिस परप्यूरिया।
तो इसका सही आंसर 77 का क्या होगा, डिस्टेलिस प्यूपेरिया। हृदय रोग के उपचार हेतु दवा प्राप्त की जाती है डिस्टेलिस पर प्यूरिया से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, और चूंकि भूतपूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हम बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतने होने के चांस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो लिस्ट। तो देखिएगा ड्रूप क्या है, तो ड्रूप आम होता है, कोकोनट होता है, तो ये यहाँ सही हो गया। बेरी में क्या है, पेपो, पेपो कुकुम्बर हो गया। डबल समारा जो हो गया वो एसर हो गया, और बेरी ब्रिंजल हो गया, तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। तो इसका 78 का सही क्रम क्या हुआ, तो वो हुआ सी। क्या हुआ सी, तीन ए में तीन, तो ए में तीन, और बी में एक, तो बी में एक। चलिए हो गया। जिब्रेलिन इंड्यूस्ड बैकन डिजीज ऑफ राइज इज कॉज्ड बाय, तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा, फ्यूजेरियम मॉनली फॉर्मिस का सही आंसर है। रैपिड डेथ ऑफ द कोलैप्स ऑफ द सीडलिंग टिश्यू नियर द सॉइल लाइंस रिजल्टिंग द फॉल द सीडलिंग द ग्राउंड कार्ड एज, तो उसको डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं, जो पाइथियम के द्वारा होता है। किसके होता है, पाइथियम डिबेनियम के कारण होता है। तो 80 का ऑप्शन क्या सही होगा, सी। आइडेंटिफाई द सॉल्ट डे प्लांट विथ नो टेम्परेचर रिक्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग, ताप आवश्यकता विहीन अल्प प्रदीप्तकाली पौधे को निम्न में से पहचानिए, इनमें से कौन सा है, तो बताइएगा कौन सा, एवेन्ना सटाइवा, आइपोमिया बटाटस, स्पेनिएसिया ओलरेसिया और डायंथस कैरियोफिल्लस, तो इनमें से कौन सा है। तो 81 का सही आंसर आपका कमेंट्स करिएगा, तो 81 का सही आंसर है बी, आइपोमिया बटाटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द निच ऑफ ए स्पीसीज मीन्ट फॉर, एक स्पीसीज के निच का तात्पर्य है द स्पेसिफिक प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, तो 82 का सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा क्या, द स्पेसिफिक फंक्शन टू द स्पीसीज एंड इट्स कम्पिटेटिव पावर्स, द हैबिटाट एंड स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ए स्पीसीज, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, द हैबिटाट्स एंड स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ए स्पीसीज, एक स्पीसीज का वास स्थान एवं उसके विशिष्ट कार्य, एक स्पीसीज का वास स्थान एवं उसके विशिष्ट कार्य, तो 82 में सी सही होगा। द वाटर बॉडीज यूट्रोपिकेशन इज कॉज्ड बाय हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट, तो 83 का जो सही होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशंस विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज इन लीव्स, तो वो कौन सा होगा, तो 84 का होगा डी, नाइट्रेट रिडक्टेज। अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज इन लीव, जल अभावता स्थिति में पर्णों में निम्न में से किसका बाहुल्य नहीं होता है, तो नाइट्रेट रिडक्टेज का। द पिरामिड ऑफ द नंबर्स ऑफ द पैरासिटिक फूड चेन इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्या कैसी होगी, पिरामिड नंबर ऑफ द पैरासिटिक फूड चेन्स की बात कर रहा है, ऑलवेज इन्वर्टेड होगी, फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट नंबर का जो होगा वो कैसा होगा, तो आप बताएं वो कैसा होगा, तो 85 का जो सही आंसर है वो है ए, ऑलवेज इन्वर्टेड, कैसा होगा, ऑलवेज इन्वर्टेड, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, पैरासिटिक फूड चेन इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम वो कैसा होगा, ऑलवेज इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रोमोसोम्स डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय यूज ऑफ, तो क्रोमोसोम डबलिंग कोलिसीन के द्वारा हम कर सकते हैं। विच इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज लिबरेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड, तो वो है, बताइएगा क्या कह रहा है, मीथेन के अलावा कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कृषि भूमि से निकलती है, तो उनमें से कौन सी गैस है जो निकलती है, तो 87 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, एनओ। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, तो देखिए नाम दिए हुए हैं, फ्लैक्स, फ्लैक्स तो आपका कहलाता है लाइनम असिटाटिस्मम, और हेम्प तो वो कहता है कैनाबिस सटाइवा, और मनीला हेम्प, मूसा टेक्सटाइलिस, और सन हेम्प, क्रोटोलेरिया जुनेसिया, तो इसका सही क्रम क्या हुआ, तो 88 का सही क्रम हुआ सी, ये वाला, तो दो में ए में दो, तो ए में दो सही है बिल्कुल, और
तो इसमें दो दो दिए हैं, चलो बी में चार, तो बी में चार सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल आयन नाउ रिगार्डेड एज द सिग्नल मॉलिक्यूल इज ए, तो मेटल आयन्स वो कैल्शियम होता है जो सिग्नल का काम करता है, तो 89 का ऑप्शन ए सही है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमिड एरिड ट्रॉपिक्स इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पाया जाता है बताइएगा, द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इज लोकेटेड इन मनीला, ट्राइस्टेट, हैदराबाद, कोलंबो, तो ये कहाँ दिखने को मिलता है, तो 99 का कौन सा आंसर सही होगा, बी मनीला में। अर्ध शुष्क उष्ण कटबंधी की अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान एक्रीसेट मैलिना में है, क्या है, मनीला लिखा हुआ है, यहाँ मैलिना लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन, तो क्विसेंट सेंट्रल रूट के एपेक्स पर पाया जाता है, तो 91 का जो सॉरी 91 का एक बार फिर से मुझे ये 90 वाला क्वेश्चन मैं फिर से देख रहा हूँ, 90 का क्या सही होगा, तो 90 का सही है सी, इसको जरा सा फिर से देख लीजिएगा, मैं गलत आपको बता गया, फिर से देख लीजिएगा, इसका सही आंसर है हैदराबाद। कहाँ पाया जा रहा है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये हैदराबाद पाया जा रहा है। क्वेश्चन सेंटर इज प्रेजेंट इन रूट एपेक्स, तो 91 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए जहाँ आपको थोड़ा सा कम क्लियर दिखाई दे, 50 क्वेश्चन का टारगेट आज का है और हम 50 क्वेश्चन पूरे भी करेंगे, चाहे पीरियड लंबा हो या छोटा हो, अब हमें यह मतलब नहीं कि कितने लोग देख रहे हैं कितने लोग छोड़ रहे हैं, डजेंट मैटर, तैयारी करिए मन से करिए। बैक्टीरिया बियरिंग द टफ्ट ऑफ फ्लैजला ऑन द बोथ पोल्स आर कॉल्ड, यानी दोनों पोल्स में फ्लैजला का जो टफ्ट होता है वो कहलाता है, और ये हमने आपको बताया था फार्मूला, हमने लिखा था महाकल्प, क्या लिखा था महाकल्प, तो देख लेते हैं, इसमें एक तरफ फ्लैजला, हमने शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी है, इसमें दोनों तरफ फ्लैजला, सेफाइलों में एक तरफ गुच्छा, और ये हो गया लोफोट्राइकस, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, लोफोट्राइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु के जिसके दोनों सिरों पर गुच्छ में कसाबिकाएं पाई जाती, क्वेश्चन पूछते हैं, ये वीडियो का हमारे वीडियो का एक मुख्य उद्देश्य है कि आलतू फालतू यहाँ कुछ नहीं उठाया जो मन में आया, पर हम वही चीज़ें आपको देते हैं जो बिल्कुल 110% इम्पॉर्टेंट होते हैं, फालतू का कुछ भी नहीं चलाते हैं, क्योंकि ना हमारे पास इतना फालतू का समय है कि हम व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में जो मन में आए वो आपको बताए जा रहे हैं, ये तुम समझ लीजिए कि हम वीडियो एडिट तक नहीं करते हैं, कोई वीडियो में एडिटिंग नहीं होती हमारे ना, तो मैं यूनिंग वॉक पे जाता हूँ उसी समय उसकी डिटेल जो बोल बोल के लिख देता हूँ बोलता हूँ, और जो गूगल टाइप कर लेता है बस वही सब करके डाल देते हैं, मतलब मुश्किल से मुझे 5 मिनट लगते हैं बस, बिना एडिट के ऐसे किया और तुरंत अपलोड किया ख़त्म, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म जीनस सीड्स आर, इसको पहले तो वो कर लें, लाइन समझ में आए तब, इन विच द फॉलोइंग जिम्नो स्पर्मस जीनस द सीड आर सपोज्ड टू बी बाइटेगमिक, निम्न किस अनावृत बीजी वंश के बीज द्विचोली माने जाते हैं, तो वो किसके माने जाएंगे आप बताएंगे, तो 93 का क्या ऑप्शन सही होगा, वो होगा सी इफेड्रा के, किसके माने इफेड्रा के, अभी इधर से आप पढ़ सकते हैं, हिंदी वाला ज़्यादा क्लियर है, इंग्लिश वाला थोड़ा सा कम क्लियर है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑफ द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, तो वो होता है प्लास्टोसाइनिन या प्लास्टोक्यूनिन, तो 94 का सही आंसर है फेरिडॉक्सिन, क्या है फेरिडॉक्सिन, फोटो सिस्टम फर्स्ट के चक्री फोटो फॉस्फोराइलेशन में पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही है, तो वो कौन सा है फेरेडॉक्सिन, कौन सा है फेरेडॉक्सिन, 94 का सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड, माइटोकांड्रिया एनएरोबिक रिस्पिरेशन, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, माइक्रोसिस्टिस, प्रोकैरियोटा और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, तो ऑप्शन इसका ए सही है 95 का ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्सल ऑफ सीड अकर थ्रू एयर, इनमें से किसका जो सीड है वो एयर के द्वारा डिस्पर्स होता है, तो बताइएगा ओराइजा सटाइवा,
कैलोट्रोपिस जिजेंटिया, तो इसका सही आंसर है डी 96 में डी। तो 96 का देख लेते हैं डी। विच द फॉलोइंग विंग्स आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो इसमें से कौन सा है जो फ्री लिविंग होता है, तो बताइएगा। स्यूडोमोनास, राइजोबियम और एजिटोबैक्टर, और कैसा होता है, तो वो सही आंसर है एजिटोबैक्टर। 97 का ए क्या है, 97 का ए। हम आपको बता दें क्लोस्ट्रीडियम जो होता है वो एनएरोबिक फ्री लिविंग होता है, और राइजोस्पर्लम होता है वो फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन मतलब फ्री लिविंग होता है। तो ये हमने एक अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका एक शॉर्ट स्क्रीन डाला था, वो थोड़ा सा पीछे मिलेगा कम से कम 10 से 10 दिन पहले, तो आप देखेंगे एक छोटा, उससे नाइट्रोजन के उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। द डिहिसेंस ऑफ फ्रूट इन द फॉलिकल अकर बाय, तो डिहिसेंस फ्रूट इन फॉलिकल अकर्स बाय वेंट्रल एंड डोर्सल सचर, वेंट्रल सचर फ्रॉम द बेस ऑफ अपवर्ड, तो इसका 98 का सही आंसर होगा बी वेंट्रल सचर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फ्रूट ऑफ द कैरोटिज, कैरोट का फ्रूट कैसा होगा, तो बताइएगा क्रीमोकार्प होगा या और कुछ, तो 99 का बी होगा क्रीमोकार्प। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज एनाक्रायोगाइनस, निम्न में कौन ब्रायोफाइट एन एक्रोगाइनस नेचर का होगा, एन एक्रोगाइनस नेचर का, तो बताइएगा 100 का कौन सा सही है, तो वो है सी पेलिया। कौन सा है, पेलिया। निम्न में कौन सा ब्रायोफाइट एन एक्रोगाइनस होता है, एन एक्रोगाइनस कौन सा हुआ, पेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सम फ्लावर ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट द नाइट दस नोन एट द, उसको हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं फोटोटैक्सी या फोटोनास्टी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए आप। तो 101 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, वो होगा बी फोटोनास्टी। क्या बोलते हैं, फोटोनास्टी। इन विच द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल, फ्लावर पेयर्स इलेक्ट्रोफोर प्रेजेंट इन पेयर, तो वो किस में इलेक्ट्रोफोर हमें देखने को मिलते हैं, बताइएगा एंथोसिरास एंड स्फैग्नम, रिक्सिया एंड मार्केंसिया, एंथोसिरास एंड स्फैग्नम, पेलिया एंड रिकार्डिया और पोरेला एंड फ्यूनेरिया, तो ऑप्शन इसका 102 का जो सही होगा वो होगा सी पेलिया एंड रिकार्डिया। किस में देखने को मिलते हैं, पेलिया एंड रिकार्डिया। निम्नलिखित किस युग्मक में संपुट में इलेक्ट्रोफोर्स उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रोफोर्स उपस्थित रहते हैं, तो वो होगा पेलिया एंड रिकार्डिया में इलेक्ट्रोफोर्स पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन इनविटेड बाय, तो किससे इनविटेड होता है नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है, तो 103 का जो सही आंसर है वो कौन सा है, तो वो है डी अमोनिया के द्वारा। किससे होता है, नत्रजन स्थिरीकरण बाधित होता है, तो अमोनिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए हार्मोन दैट कंट्रोल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन रिस्पॉन्स ऑफ वाटर स्ट्रेसेस, ऐसा हार्मोन जो पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है, वो कौन सा होगा, तो वो होगा एप्सिसिक अम्ल। तो 104 का सही आंसर क्या होगा, तो 104 का, ऐसा हार्मोन जो पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है वह क्या है, तो वो एप्सिसिक अम्ल ही होगा। और एक जगह इसका आंसर साइटोकाइनिन दिया है, जरा इसको हमें आप लोग तुरंत बताएं, इसको हम अभी उपलब्ध करा रहे हैं आपको टेलीग्राम पे, सही आंसर आप लोग कमेंट्स करें। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो ए ही सही है। क्या सही है, ए ही सही है, क्योंकि ए हमें भी कंफर्म था, मगर जहां से हम इसके आंसर चेक किया तो वहां उन्होंने साइटोकाइनिन दे रखा, जो मुझे भी गलत लगा, इसलिए हमने इसको दिया, और अधिकतर लोगों के जवाब एप्सिसिक एसिड ही है, तो इसी को हम लोग सही मानते हैं, और ये है भी सही। वो साइटोकाइनिन जैसे हमने उसको रीचेक किया तो वो साइटोकाइनिन वहाँ दिखा था, इसलिए हम खुद कंफ्यूज हो गए कि ये साइटोकाइनिन कैसे हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको पोल पे ले आए अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने मित्रों के सामने रखा कि भाई इसका सही आंसर क्या कुछ ऐसा हो सकता है। फ्रूट इन विच द पेरिकार्प एंड सीड कोट आर फ्यूज्ड आर फाउंड इन फैमिली, तो वो कौन सी फैमिली है, तो वो है पोएसी। कौन सी है, पोएसी। तो 105 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा,
तो 105 का आंसर डी सही होगा, पोएसी। ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक डोरमेंसी इज नोन एज, तो उसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। 100 जो 6 है, क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन। और इसका सही आंसर जो दिया रहता है स्टार्टिफिकेशन बोलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द सीड लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन ब्रेक डोरमेंसी इज नोन एज द स्टार्टिफिकेशन। और इसको कुछ लोग वर्नलाइजेशन मानते हैं और इसके कुछ लोग स्टार्टिफिकेशन मानते हैं। क्वेश्चन जहाँ से हम देख रहे हैं वो स्टार्टिफिकेशन दे रखा है, और कुछ मित्र इस पे हमसे पहले भी पूर्व परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, तो कुछ लोग स्टार्टिफिकेशन कहते हैं वर्नलाइजेशन। तो आप भी बताइएगा इसमें आंसर सही क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिल ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज मार्फोलॉजिकली, तो वो क्या होता है, इंटुगमेंट होता है। क्या होता है, इंटुगमेंट। तो 107 का जो सही आंसर है वो है सी, द फर्स्ट फ्यू डिविजन्स ऑफ द जायगोट आर वर्टिकल। इन जायगोट के प्रारंभिक कुछ विभाजन ऊर्ध्व होते हैं, तो वो किस में होते हैं, ऊर्ध्व। तो ब्लाइनोफोरा 108 का जो सही होगा बी, ब्लाइनोफोरा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द नाइट्रोजिनस प्रोटीन, इनमें से नाइट्रोजिनस प्रोटीन में कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजिनेस प्रोटीन का भाग नहीं है, तो बताइएगा कौन सा भाग नहीं है। तो 109 का जो सही आंसर है वो कौन सा सही होगा, 109 का आंसर होगा सी, वो है जेडेन। क्या है, जेडेन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट एन एक्सो एंजाइम, इनमें से कौन सा एक्सो एंजाइम नहीं है, प्रोटीएज, लाइपेज, सेल्यूलोज। तो इसमें से 110 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो वो 110 का दिया हुआ है आंसर है जो वो है डी, नाइट्रोजिनेस। विच द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट एन एक्सो एक्सो एंजाइम नाइट्रोजिनेस। व्हेन माइक्रोपाइल चला जा एंड फनकिल आर इन स्ट्राइट लाइन, माइक्रोपाइल चला जा तो वो आर्थोट्रोपस होगा। क्या होगा, आर्थोट्रोपस। एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड आर मोस्ट यूजफुल ड्यू टू दियर, पुंजनी अगुणित पौधों के अत्यधिक उपयोगी होने के कारण है, उच्च उत्पादनशीलता और एक्सेसिव विगर और होमोजाइगस स्टॉक। तो उसका सही आंसर 112 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, होमोजाइगस स्टॉक। एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड मोस्ट यूजफुल, तो संयुग्मजी स्कंद। इन विच एल्गी द सैटेलाइट क्लोरोप्लास्ट आर पाया जाता है, ताराकार हरित लवक नहीं पाया जाता है, तो किस में नहीं पाया जाता है, जिग्निमम पाया जाता है, कॉस्मोरियम में पाया जाता है, स्पोकले पोरफायरा। तो 113 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, पोरफायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पोगोनियम आर नॉट फाउंड इन, कार्पोगोनियम किस में नहीं, बैटकोस्पर्म पाई जाती है, पॉलीसाइफोनियम पाई जाती है। तो ये जो 114 का आंसर जो सही होगा वो होगा डी, सार्गासम में कार्पोगोनियम नहीं पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पाइनस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पाइनस, पाइनस के लिए क्या नहीं है, ब्रैक्ट एंड ओविलिफ्री स्केल सही, रेजिन कैनाल एंड नेडल सही है, मैनोजाइलिक वुड, तो ये पिकनोजाइलिक वुड पाई जाती है, तो ऑप्शन डी सही होगा, 115 का ऑप्शन डी सही होगा। तो अब यहाँ देख लेते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड इज नॉट करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो सिरोसिस, तो सिरोसिस और फॉलिकल पुंज, हेस्पोरेडियम सीट्रस सही है, और एकिन पुंज फल और सिरोसिस, अनानास, फॉलिकल पुंज फल, मैग्नोलिया। तो ये 116 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, एकिन का पुंज फल एजरेटम, तो ऑप्शन ये सही होगा। डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप, होलोटाइप का जो डुप्लीकेट होता है वो आइसोटाइप कहलाता है, क्या कहलाता है, आइसोटाइप। तो 117 का ऑप्शन बी सही होगा। किस कुल के पौधों में बीज की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, बताइएगा किस कुल के पौधों में बीज की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो 118 का जो सही आंसर होगा वो सी, आर्किडेशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, तो देख लेते हैं। पाइजम सटाइवम इसने क्या मैच लिस्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, एराइकिस हाइपोजिया, साइडा एक्यूटा
और पाइजम सटाइबम स्टिप्यूल इंटर पेटियोलर स्टिप्यूल फोलिएसेस स्टिप्यूल प्रीलेटरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा 119 का, तो 119 का ऑप्शन दिया है डी ये वाला 1 4 2 3। एक ए में एक, चार में बी और दो में सी और डी में तीन। ये एराकिस हाइपोजियम स्टिप्यूल एडनेट दिया हुआ है, साइडा एक्यूटा में स्टिप्यूल फ्री लेटरल हैं, हिमालिया पेटिनस में स्टिप्यूल जो हैं वो कैसे हैं स्टिप्यूल इंटरपेटियोलर हैं, और पाइजम सटाइबम में कैसे स्टिप्यूल फोलिएसियस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकली विच जीनस हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम रेनन्कुलस, भ्रूणकी के आधार पर कौन सा वंश रेनन्कुलस से अलग किया गया है, बताइएगा कौन सा किया गया है, एनिमोन एक्वेलिजिया कोप्टिस और पेकोनिया। तो ऑप्शन 120 का जो सही होगा वो होगा पेकोनिया, अलग किया गया है भ्रूणकी के आधार पे। तो ये 120 पूरे के पूरे क्वेश्चंस थे। आज हमारा जो पूरा का पेपर था वो सॉल्व होता है, ये भूतपूर्व परीक्षाओं में बॉटनी स्पेशल का जो पेपर था आपका वो सॉल्व करते हैं हम आज, लास्ट है। इसके बाद 2005 के हम पेपर्स लेके आएंगे बॉटनी स्पेशल के, कि उस दौरान कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा ट्रेंड्स में रहे और कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बने। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, चलते फिरते उठते बैठते वीडियो जरूर देखिएगा। इसी के साथ नमस्कार।